आज मैं बनाऊंगी मशरूम की सब्जी और उसमें आलू भी ऐड करूंगी क्योंकि आलू मुझे बहुत पसंद है। मैं हर सब्जी के साथ आलू ऐड कर ही लेती हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए पहले मैं आलू और मशरूम को ऑयल में फ्राई कर लूंगी। तो चलिए देखते हैं सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ। मैं 250 ग्राम की बटन मशरूम ली हूँ और 2 मीडियम साइज के आलू जिन्हें मैं धो के काट के रख ली थी। अब मैं इसे तेल में फ्राई करूंगी और फिर फ्राई करने के बाद मैं इससे सब्जी बनाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मशरूम और आलू को लगभग मैं 5 मिनट तक हाई फ्लेम में कुक करूंगी। और जब भी आप मशरूम को फ्राई करें सब्जी बनाने के लिए तो उसे ढक के ना पकाएं। मशरूम से पानी कम हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। मशरूम को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब चलिए हम मशरूम के लिए मसाले बनाते हैं। हमारा आलू और मशरूम अच्छे से फ्राई हो गया है तो चलिए अब हम मसाले बना लेते हैं। मसाले के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और 1 लाल मिर्च। इन सबको ग्राइंड करके मैं एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। यहाँ पे मैं ली हूँ 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज और उसे मैं हल्का हल्का भूनूंगी। मशरूम और आलू को मैं पहले से तेल में फ्राई की थी तो यहाँ पे मैं कम से कम तेल का यूज कर रही हूँ। प्याज जैसे ही हल्का सॉफ्ट हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी पहले से बनाया हुआ पेस्ट और उसे भी हल्का हल्का भूनूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर लूंगी। पहले हम इस टमाटर को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सारे मसालों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मैं फ्राई करूंगी। मसाला यहाँ पे फ्राई हो गया है हमारा। देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। मसाला ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसमें ऐड करूंगी कटोरी पर दही। दही को फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दही डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा, कलर भी बहुत अच्छा आता है। दही और मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑन करूंगी। जब भी आप दही ऐड करें तो मसाला ठंडा हो तभी ऐड करें वरना दही फट सकता है। अब पहले से फ्राई किया हुआ आलू और मशरूम इसमें मैं डाल लूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आलू और मशरूम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी यूज करें और आप जब भी सब्जी में पानी यूज करें तो गर्म पानी का ही यूज करें। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। आगे